अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन सिज़लर ग्रेवी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही उम्दा और मज़ेदार होता है। इस रेसिपी को आप अपनी दावतों में बनाओगे तो सामने वाला आपकी तारीफ करे बगैर रुकेगा नहीं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ बोन वाला, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 अंडा डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और 1 कटोरी भर के कॉर्नफ्लावर का आटा डालेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर और मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे चिकन के ऊपर कोट कर लेंगे और इसे आधे घंटे से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो आप इसे फौरन भी फ्राई कर सकते हो। ज़्यादा टाइम मैरिनेट करके रखने से हमारे चिकन पे मसाला अच्छे से लग जाता है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करने रखेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1-1 करके चिकन के पीसेस को डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस को हमें फ्राई करते वक्त ही पूरा अच्छे से पका लेना है। ऐसा नहीं कि चिकन को हम 80% और 70% फ्राई करके निकाल लेंगे और बाद में हम इसे ग्रेवी में डाल के अच्छे से पका लेंगे। हमें फ्राई करते टाइम ही इसे 100% पूरा कुक कर लेना है। चिकन को क्रिस्पी हो जाने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा चिकन 100% कुक हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे चिकन के पीसेस को 1-1 करके फ्राई करके निकाल लेंगे। और अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। बटर से हमारी ग्रेवी का टेस्ट और इनहेंस होता है। बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसमें हम बारीक चॉप की हुई लहसुन डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाए। अब हम इसमें मसालों को अपने ऐड करेंगे। 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल के सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। अब हम इसमें टमाटो का पेस्ट डालेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटो लेके उसे मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे मसालों के साथ डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो का पेस्ट मिक्स करते टाइम हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अपने सॉस भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस ली हूँ, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच शेजवान चटनी और 1 चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे, तब तक जब तक हमारे ग्रेवी में ऊपर तेल नज़र ना आने लगे, जब तक हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा बिरिस्ता ऐड करेंगे।
रिश्ते को डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। जब हमारी ग्रेवी ऐसी थिक हो जाए तब हम इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। हमें सिज़लर ग्रेवी में फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करना है क्योंकि इसी से हमारे ग्रेवी में जो थिकनेस आती है वो इसी से आती है। फ्रेश क्रीम डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको फ्रेश क्रीम का यूज़ कम करना है तो आपके ऊपर है, आप इसे कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, मगर जो टेस्ट और फ्लेवर आता है वो फ्रेश क्रीम से ही आता है, तो आप हो सके तो फ्रेश क्रीम का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा। अब हम अपने ग्रेवी में फ्राई किए हुए चिकन को डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। गैस के फ्लेम को हम हाई पर रख के इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से मैं थोड़ी और फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी और इसे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते टाइम भी मैंने गैस के फ्लेम को हाई रखी हूँ और इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी कैसी थिक हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी में एक बटर की क्यूब डालेंगे और इसे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। सिज़लर ग्रेवी बनाने के लिए हमें बटर और फ्रेश क्रीम का यूज़ ज़्यादा ही करना है, इसीलिए हम स्टार्ट में 1 चम्मच ही तेल डालेंगे क्योंकि हमें बाद में बटर और घी थोड़ा थोड़ा करके और ऐड करते रहना है। अब हम इसके ऊपर से थोड़े स्प्रिंग अनियन डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च क्यूब में कट की हुई। अगर आपके पास कोई दूसरी वेजिटेबल्स भी हो तो आप इसे भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि बेबी कॉर्न, ब्रोकली, अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसमें सिर्फ शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हो। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी और फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई कोथमीर ऐड करेंगे। अब हम अपने सिज़लर ग्रेवी में स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिसके लिए मैंने पहले ही कोयले को गर्म करने रख दी थी। कोयले को हम घी के ऊपर रख के इसके लीड को टाइट बंद कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे कि हमारी शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हम इसके लिड को ओपन कर लेंगे और कोयले को निकाल के इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप सिज़लर ग्रेवी को रोटी या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का और उम्दा लगता है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।